SRM टुडे, शहर की आवाज। इस कलयुग के जमाने में अपने अंदर ईमानदारी को जिंदा रखने वाली एक GNM की विद्यार्थी ने ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल कायम की है, जिसमें ATM से रुपए निकालने गई मनीषा को ATM से 10,000 रुपए मिले, जिसे लेकर वे थाने पर जमा कराने पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। 21वीं सदी कलयुग के इस जमाने में नई पीढ़ी के अंदर ईमानदारी और इंसानियत आज भी जिंदा है, जिसकी मिसाल थाने में बैठी GNM की विद्यार्थी मनीषा खंडागरे ने ATM से मिले 10,000 रुपए को थाने में सुपुर्द कर दी है। इस बारे में मनीषा ने बताया कि वे रुपए निकालने के लिए घंटाघर क्षेत्र स्थित HDFC के ATM पर गई थी, जहां उन्होंने रुपए निकालने के लिए अपना कार्ड डाला। उससे पहले ही 10,000 रुपए निकल कर बाहर आ गए, जिसे कोई और निकालने आया था। लेकिन यहां मनीषा ने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और उस शख्स का इंतजार किया जिसके पैसे थे। लेकिन आधे घंटे इंतजार के बाद उस शख्स के नहीं आने पर मनीषा HDFC बैंक गई, जहां मैनेजर के नहीं मिलने पर वे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंची, जिनके साथ वे थाने पहुंची, जहां मनीषा ने 10,000 रुपए थाना प्रभारी को यह कहकर सौंपे कि ये उस व्यक्ति की मेहनत की कमाई है, जिसे वह जरूरत पड़ने पर निकालने आया होगा, जो मुझे नहीं चाहिए। अपने उसमें ले लें सुपरदीन, और बैंक से पता करके पता करो कौन है ये कस्टमर। कौन से ATM पे गए थे और क्या हुआ वहाँ पर? मैं आज 12 बजे दिन में 12:39 पे घंटा करके HDFC बैंक पे मतलब ATM पे गई थी, तो वहाँ पर मैंने अपना ATM कार्ड फंसाई और अपने पैसे निकाल रही थी। उसके पहले ही वहाँ पर पैसे मतलब जिसने उसके पहले यूज़ किया होगा ATM, उसके पैसे वहाँ पे आके 10,000 रुपये थे तो मुझे मिले, तो मैं यहाँ पर जमा करवाने के लिए। कहाँ पर मिले थे और कैसे प्रेरणा मिली कि आपको, कि मतलब लोग आजकल 1 रुपए के पीछे अपनी मतलब नीयत खराब कर लेते हैं, आपने 10,000 रुपये पीछे इस तरीके से नहीं किया, क्या लगता है? हाँ, तो वो इंसान ने भी अपने मेहनत से पैसे कमाए होंगे और उसको भी कोई अर्जेंट काम होगा जिसकी वजह से वो पैसे निकालने के लिए आया, तो इसलिए मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, इसलिए मुझे जमा करवाए। कितने 10,000 रुपये थे, उसमें 2,000 के 5 नोट थे, तो मैंने यहाँ पर थाने में जमा करवाए। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ? हम GNMTC के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। वहाँ पर मैंने आधे एक घंटे तक वेट किया कि जिसके भी पैसे हैं वो आके ले जाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हम लोग HDFC बैंक गए, तो वहाँ के मैनेजर सर से मिल के वहाँ जमा करना चाहते थे, लेकिन सर वहाँ पर नहीं मिले हमको। फिर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर के क्लिनिक गए, फिर उन्हें बताई ये बात, फिर उनके साथ यहाँ पर हम लोग पैसे जमा। मेरे कॉलेज की लड़कियाँ बहुत ईमानदार है और वो तुरंत क्या बोलते घबराई हुई आई कि मैं क्या बोलते इन पैसों का असर क्या बोलते कैसे दूं और क्या करूं। तो मैंने मेरे दोस्त नेमीचंद को बोला कि ये पैसे अपन कहाँ जमा कराएं, तो बैंक जाएं या थाने जाएं, तो उसने बोला कि नहीं अपन थाने जाके क्या बोलते पैसे जमा कराएं, क्योंकि ये लड़कियाँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि क्या पैसे इनके पास रहे। तो मैंने भी तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन करके बोला कि थाने चलें और पैसे जमा कराएं। शिक्षा के साथ में किस तरीके की मानवता सिखाई जाती है? शिक्षा के साथ ये मानवता ही है कि क्या बोलते बच्ची को एक पैसे की भी ये नहीं, उसको ये सोचना था कि जिसने भी निकाला बहुत मेहनत की होगी और वो पैसा मेहनत का था, तो उसको बहुत परेशान हो रहा होगा वो इन पैसों के लिए, इसलिए क्या बोलते हैं
ये यहाँ लेके आए हम पैसे। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जेएनएम की विद्यार्थी मनीषा खंडागरे को एटीएम से रुपए निकालने के दौरान 10,000 रुपए मिले हैं, जिसे मनीषा ने थाने पर आकर जमा कराए हैं। पुलिस द्वारा इन रुपयों का पंचनामा बनाकर जब्त कर लिए गए हैं। अब ये रुपए शिकायत आने पर उस शख्स को वापस किए जाएंगे जिसके ये रुपए हैं। आप कितने बजे पहुंचे हो एटीएम? सर टाइम तो नहीं देखा था। नहीं 12:39 तो इस पर प्रिंट है। तो ये 40 पे तुम्हारा ये क्या कपड़ा है? नहीं 12:39 के बाद पहुंचे हो। जब आपके पहुंचने पर ये स्लिप पहले मिली है, मतलब 12:39 के बाद पहुंचे हो, तो वो लक्ष्मी का बताओ प्रिंसिपल साहब से बच्चे आए हैं जी, ये पैसे 10,000, 2,000 के 5 नोट जी, ठीक है, और ये पर्ची जी, ये पंचना बना के अपने उसमें लेंगे, ठीक है। अभी 40-3 गई है वहाँ HDFC बैंक जी, तो वहाँ से पता करके एक स्टूडेंट थी उसने यहाँ पर 10,000 रुपये जमा कराए गए। किस प्रकार से जमा कराए गए और कहाँ से उसको मिले थे? हाँ, अभी यहाँ पर आके थाना उपस्थित आकर उन्होंने बताया कि वो अभी HDFC के जो ATM है अपना घंटाघर पे, उस मशीन से विड्रॉल के लिए गए थे, तो उनको 10,000 रुपये वहाँ पड़े हुए मिले, 2,000 के 5 नोट थे। तो बच्ची मिस मनीषा हैं, वो JNM कॉलेज की स्टूडेंट है, उनके लाके यहाँ पे पेश किए कि सर ये किसी के पैसे पड़े हुए मिले थे, तो हमने पंचनामा के आधार पर वो जब्त कर लिए हैं, और जो भी कंप्लेंट आती है तो उसको तस्दीक करके वापस करवा दिए। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।